प्रयागराज के उर्वरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय अनौर में एक छात्र से बर्बर पिटाई का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां तैनात एक शिक्षिका ने शनिवार को छात्र को पहले जमकर पीटा। जब उसका गुस्सा नहीं थमा तो उसने बच्चे के मुंह में डंडा डाल दिया। इससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि अनौर गांव के अनिल कुमार प्रजापति का बेटा अंकित कुमार प्रजापति कक्षा 2 का छात्र है। उसी स्कूल में रोशनी मिश्रा सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है। रोशनी ने अंकित से पहाड़ा सुनाने को कहा। जब वह नहीं सुना पाया तो उसने पहले उसे थप्पड़ मारना शुरू किया और इतने में जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने बच्चे के मुँह में डंडा डाल दिया। इससे बच्चे को अंदरूनी चोट लग गई। जब बच्चा रोता हुआ घर पहुंचा तो उसने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया। तो वहीं प्रयागराज के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि परिजनों की शिकायत और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्यवाही के लिए जांच की जा रही है। यह गंभीर बात है। शिक्षा व्यवस्था में अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसे काउंसलिंग करना चाहिए, ना कि पीट पीट कर उसे घायल कर देना चाहिए। इसके साथ ही मेजा थाने में परिजनों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।